राम राम साहब, मेरे अगले ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अब चल रहे हैं नवरात्रे, तो प्रदीप को भी आज छुट्टी है। तो प्रदीप खेल रहे थे बच्चों के साथ में, तो इनको ज़बरदस्ती घर ले आई मैं, क्योंकि सुबह 7-8 बजे से खेल रहा है ये। बहुत लंबी टाइम तक ये खेला है, तो ये नाराज़ हो गया। इसको मनाने के लिए बना रही हूँ मैं गुलबड़े, यानी गुड़, और पानी से पानी में गुड़ मिला के और गेहूं के आटे से गुलबड़े बनाऊंगी। और प्रदीप के लिए, प्रदीप को बनाने, प्रदीप बहुत गुस्सा हो गया मेरे से। प्रदीप का अभी काम भी बाकी है, देख शाम ना टाइम और खेल ले, अभी तो नाराज मत हो, एक बार बोल जा। देखो कितना तेज गुस्सा है प्रदीप, बहुत तेज गुस्सा हो गया। अब इसको मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनकी 2-3 दिन से बोल रहा था कि मेरे को गुलबड़े खाने हैं, क्योंकि कहीं से सुन के आया था बड़े खा के आया हूँ गुलबड़े खा लिए। मैंने गेवा काटा और ये गुड़ पानी में वैसे घोल बना लिया, थोड़ा गर्म पानी के साथ में गुड़ को भिगो दिया तो जल्दी भीग गया। सो थोड़ी आटे में डालूंगी ये सूंफ, पीस लिए मैंने पहले से ही सूंफ, और थोड़ा है सोडा। सोडा तो एकदम चुटकी भर डालना है, ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। पहले मैं इसको गुड़ छान लेती हूँ, इसमें एक बर्तन में पहले से गुड़ छान लेती हूँ, क्योंकि आटा मिलाने के लिए। ये मैंने लिया है गुआ का आटा, गुड़ के हिसाब से आटा डालना है, ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, ज़्यादा आटे को टाइट भी नहीं रखना है। हाथ से आटे को अच्छे से घोल लेना है, क्योंकि इसके अंदर ये गीठले और हो जाते हैं। थोड़ा गर्म है पानी, मैंने गर्म पानी करके गुड़ भिगोया है, क्योंकि अभी मैंने 10 मिनट में गुड़ तैयार किया है। क्योंकि गुलबड़े ऐसे तो रसगुल्ले टाइप के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। थोड़ा गीला है तो और डाल लेती हूँ आटा। थोड़ी डाल लेती हूँ इसमें सूंप, ज़्यादा सूंप नहीं डालूंगी, थोड़ी सूंप डाल लेती हूँ। थोड़ा ये मीठे सोडा, ये तो चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा बाद में, ज़्यादा सोडा डालने से वो ऊपर से फटने लगेंगे, अच्छे से बनेंगे नहीं। थोड़ा डाल लेंगे तो उनकी फुलावट अच्छी आ जाएगी। बहुत ही टेस्टी है गुलबुड़ा, मांगा मैं तो रोज ही बनावा, पर लगभग शनिवार मंगलवार के बनाते रहे मांगा मैं तो। प्रदीप ने अब शौक है कि अभी बनाना है मुझे, अभी खाना है, तो मैं आज बना रही हूँ। ये देखो मैंने गोल बना के तैयार करनी है, इसी प्रकार से बनाना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। ये मैंने मिला के आटे को एकदम तैयार कर लिया। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है मैंने तेल, तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल एकदम आ चुका है, पहले से थोड़ा टेस्ट कर लेना है क्या है ये। नहीं, प्रदीप थोड़ा रुक जा, थोड़ा ठंडा होने दे बेटा। दस मिनट रुक जा, 10 मिनट में बना दे स्वीट।
निकालने के लिए मैं वो झरनो लियो है एक, ये झरने में मैंने तेल ज्यादा कर रेवा को नहीं जाली सी के। एकदम बढ़िया रसगुल्ला की तरह बन गया। सरसों का तेल लिया है, आप सोयाबीन का तेल का भी अच्छा बने, एकदम अच्छा बने बेटा। तब तो है तेल बनाने के लिए मैंने ये गुलबड़े बनाए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और ये देखो प्रदीप खा रहा है, कैसे बने प्रदीप, मीठा बनेगी है? अब तो राजी हो गया, मैंने प्रदीप को राजी करने के लिए बनाए हैं ये बड़े गुलबड़े। इनको मेरी भाषा में गुलबड़े ही कहते हैं, आप क्या कहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे खेलने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बच्चे खेलते हैं, पर बहुत ज़्यादा खेल रहा था क्योंकि सुबह 7 बजे से खेल रहा था, 11 बजने को आ रहे हैं, तो इन्हें खाना और नहीं खाया था, तब इनको लेके आई थी मैं, तभी भी थोड़ा नाराज़ हो गया था मैं। मारने की बजाय उसको मैं मनाने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि बच्चे को थोड़ा बहुत कोई नई चीज़ सिखाओ या नई चीज़ बना के दो तो बच्चा जल्दी राजी हो जाता है। ये देखो बच्चा खुश हो गया। चलो राम राम साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।